मुफ्ती जैद कुरैशी साहब ने अपनी एक पॉडकास्ट के अंदर एक बात की कि सय्यदा पाक हज़रत फ़ातिमतु ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा कुरान पर अमल कर रही हैं और सय्यदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु हदीस पर अमल कर रहे हैं और ये कहा कि सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु से भी ख़ता हो सकती है। आइए लामा साहब से पूछते हैं कि लामा साहब इस बात में कितनी सदाकत है, ये इरशाद फरमाइए। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलात वस्सलाम अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अहमद भाई, यहाँ सबसे पहले तो ये मैं बात कहूँगा कि ज़ैद को जो ज़र्ब शदीद लगाई है क़िबला मुफ्ती अहले सुन्नत मुफ्ती दावत इस्लामी अज़ीम मुहक्किक़ अहले सुन्नत अज़ीम शेखुल हदीस और हदीस पर इल्मे हदीस और इल्मे उसूले हदीस पर मेरी निगाह में अब तक पाकिस्तान के अंदर इनसे बड़ा नाम मंजर आम पर नहीं है। मुफ्ती मोहम्मद हसन अत्तारी साहब, उनकी ज़र्ब शदीद के बाद मेरा ये गुफ्तगू करना गोया सूरज को चराग दिखाने के मुतरादिफ है, मगर मैं कुछ बातें अर्ज़ करूँगा। बागे फदक के हवाले से सबसे पहले मैं कुरान पाक की दो आयात आपके सामने रखता हूँ। अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाता है, वालमु अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन फअन्ना लिल्लाहि खुमुसहू वलिर्रसूली वलिज़िल कुर्बा वलयतामा वलमसाकीन वबनिस्सबील। खुलासा ये है, जान लो तुम जो गनीमत हासिल करो उसका पाँचवा हिस्सा अल्लाह तबारक व ताला के लिए, उसके रसूल के लिए, करीबी रिश्तेदारों के लिए, यतीमों मिसकीनों और मुसाफिरों के लिए। इसी तरह कुरान पाक की एक आयत मुबारक अल्लाह इरशाद फरमाता है, मा अफा अल्लाहु अला रसूलिही मिन अहलिल कुरा फलिल्लाहि वलिर्रसूली वलिज़िल कुर्बा वलयतामा वलमसाकीन वबनिस्सबील। अब यहाँ पर दो बातें हैं, एक होता है माल गनीमत जी और एक होता है माल फै, दोनों के दरमियान थोड़ा सा फ़र्क है। वो आप समझ लीजिए, कुफार से जंग करके जो माल हासिल किया जाता है उसको माल गनीमत कहा जाता है। उसके मसारिफ जो कुरान के अंदर बयान हुए वो पीछे मैंने अर्ज़ कर दिए। इसी तरह वो माल जो कुफार से बग़ैर जंग व जिदाल के, बग़ैर लड़ाई के हासिल किया जाए उसको माल फै कहा जाता है। और ये बात जहन में रखिए, ये जो बाग फदक था ना, ये उसी माल फै में से था, माल गनीमत नहीं, माल फै में से था। तकरीबन इन दोनों का जो हुक्म है वो मिलता जुलता है, इनके मसारिफ जो हैं। अब आइए बात करते हैं, जो मशहूर ज़माना मुफ्ती ज़ैद कुरैशी साहब ने बात की है कि सय्यदा पाक रदी अल्लाह ताला अन्हा कुरान पे अमल कर रही हैं और जनाब सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो हदीस पर अमल करते हैं और माज़ल्ला उनसे हदीस सुनने में ग़लती और ख़ता हो सकती है। कुरान पाक की आयत मुबारक जिसमें रब ताला इरशाद फरमाता है, यूसीकुमुल्लाहु फ़ी औलादिकुम लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सैयैन। खुलासा ये है, तुम्हारी औलाद जो है उसको जब तुमने वरासत देनी है, अल्लाह ने फरमाया कि औरत के लिए एक और मर्द के लिए दुगना हिस्सा है। अब कुरान पाक का ये जो हुक्म है इसमें कोई शक नहीं है, मगर याद रखने वाली बात यह है कि ये जो हुक्म है ये हुक्म आम नहीं है, सिर्फ ये हुक्म नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत के लिए है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस हुक्म से मुस्तस्ना है। कुरान पाक की मुतअद्दद आयात इस बात पर शाहिद हैं कि वहाँ खिताब नबी पाक अलैहिस्सलाम से है, मगर वो जो हुक्म है वो उम्मत के लिए है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए नहीं है। अब देखिए कुरान पाक में अल्लाह इरशाद फरमाता है, फ़ंकिहू मा तौबा लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा। तुम निकाह करो औरतों में से दो दो, तीन तीन, चार चार। अब मर्द को इजाज़त है इस्लाम में कि वो चार औरतों के साथ शादी कर सकता है। अब यहाँ पर अल्फाज क्या हैं, मा तौबा लकुम, जैसे ना यूसी कुम,
یہاں ہے مَا طَابَ لَكُمْ، مخاطب کی ضمیر ہے. اب یہاں پر یہ حکم جو ہے یہ امت کے لیے، نبی پاک علیہ السلام اس سے مستثنا ہے، مطلب کہ حضور کا امتی چار شادیاں کر سکتا ہے، چار شادیاں کر سکتا ہے، لیکن حضور علیہ السلام کے لیے اس سے زائد کی بھی اجازت ہے. اسی طرح میں چند آیتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، نبی پاک علیہ السلام اس حکم سے مستثنا ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے لا تبطلوا اعمالکم، اسی طرح وتقطعوا ارحامکم، یہ بھی قرآن پاک کی آیت ہے. اسی طرح من یرتد منکم عن دینہ، اب یہاں تینوں جگہ ضمیر مخاطب کی ہے، اعمالکم، ارحامکم اور منکم کم. اب یہاں پر ان آیات میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مراد نہیں ہے، کیونکہ یہاں ذکر ہو رہا ہے قطع ارحام کا، اور نبی پاک علیہ السلام یہ کر ہی نہیں سکتے. اسی طرح دین سے پھرنے کا، من یرتد منکم عن دینہ، دین سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام معاذ اللہ پھر نہیں سکتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دین سے پھرنا یہ محال ہے، تو یہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مراد نہیں ہے. اسی طرح وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اب یہاں پر بھی فِيكُمْ یہی ضمیر مخاطب کی آئی ہے، جی ہاں. اسی طرح حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفُ الرَّحِيمُ، وہ بھی آیت مبارکہ. اسی طرح فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اب یہاں توجہ طلب بات یہ ہے، اہل تشیح حضرات اور اہل سنت کا اتفاق ہے کہ یہاں کم جو خطاب موجود تو ہے، مگر اس سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہیں ہے. اسی طرح وہ جو آیت مبارکہ جو مفتی زید صاحب کہہ رہے ہیں نا، سیدہ باغ نے اس پر عمل کیا، یوصیکم اللہ، بھائی وہ جو وراثت والی آیت ہے نا، اس سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مستثنا ہے. وہاں مراد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے حکم ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو امت ہے، ان کی جو اولادیں ہوں گی، ان کے لیے قرآن یہ حکم بتلاتا ہے کہ مرد کے لیے دگنا اور عورت کے لیے ایک حصہ. لہٰذا یہ حنیف قریشی صاحب کا کہنا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پہ عمل کر رہے تھے اور جناب سیدہ فاطمہ الزہرا قرآن پہ عمل کر رہی تھیں، بھائی وہاں قرآن میں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے حکم ہی نہیں ہے، وہ تو مستثنا ہے. تو آپ کا یہ دعویٰ کرنا سرے سے باطل ہے.